आखिरकार दोस्तों अपन गेम के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पर गेम एकदम से बदल जाएगा और स्टोरी में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे और गेम अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जो कि जो पुराने मिशंस थे वो वैसे टाइप के मिशंस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों व्हाट इज अप एवरीवन, मैं हूं केना इन बारबेरियन और मैं खेल रहा हूं असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। और आप देख सकते हैं कि अपन एक मिशन के सामने खड़े हुए हैं। तो पिछले मिशन में हुआ ये था कि अपन सेज को पकड़ने गए थे जिसका नाम था रॉबर्ट। वो हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाता है और दो टेम्पलर को मारने की बात करता है जिनका नाम रहता है बॉर्जन और एक का नाम रहता है कॉकरैम। उसको निपटाने के बाद ऑब्जर्वेटरी जो असैसिन लोग का रहता है वहाँ जाने की बात होती है, पर वहाँ जाने के लिए अपने को कुछ आर्टिफैक्ट की ज़रूरत रहती है जो टेम्पलर से हम चुराते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्वेटरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी बेंजामिन हॉर्नीगोल्ड अपने पीछे आ जाता है और हॉर्नीगोल्ड को अपन को मारना पड़ता है। तो फाइनली हॉर्नीगोल्ड के मरने के बाद अपन ऑब्जर्वेटरी के सामने खड़े हैं और आगे मिशन की तरफ बढ़ेंगे। पर ऑब्जर्वेटरी में मायन सभ्यता के लोग रहते हैं और उसका रक्षा कर रहे होंगे, तो देखते हैं अपन आगे क्या कर सकते हैं। तो अपन चलते सीधा ऑब्जर्वेटरी की तरफ। मेरा मिशन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताइए, मेरी कमेंट्री अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए यार, सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं आएगा तो अपन तो सीधा गन्ने के खेत में मिलेंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधा अपन मिशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाव जा रहा है, यह देखो जाके मैं आइलैंड में घुस जाऊँगा। चल दौड़, कहाँ खड़े रहेगा वो जो चंदा मामा दिख रहा है, अभी सूरज है, उसको जाके उड़ के पकड़ ले, खा जा उसे। ये लोडिंग स्क्रीन बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, टाइम पास हो जाता है। So finally we are here. Yay! Here, Harold. Is that pirate hunter dead? Aye, by my own hand. Ah. Why is it Benjamin you alone can find what so many want? I was born with memories of this place. Memories of another time entirely, I think. Like another life I've already left. कितने कितने बार जिंदा हो गया होगा हरामी? अपनी डार्लिंग का वहां पर वो लगा के रखा है पेंडेंट। After you, Captain. मेरा गन देखो कितना तबाही है, क्यों? How cool is that? देखो कितना बड़ा है, ऐसा लगता है वहां से लड्डू निकलेगा एक बार में, सीधा मुंह पे पड़ेगा और मुंह का लड्डू लड्डू हो जाएगा। तो अपन दौड़ते हुए अंदर चलते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में मंगल करेंगे। क्लियर द जंगल, मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पर मायन सभ्यता के लोग इस जगह की रक्षा कर रहे होंगे और एक मेरे सामने से दौड़ते हुए गया है। Yep, baby. ऐसे ये वो रहा, ऐसे चढ़ ऊपर। कोई गुंजाइश ही नहीं है गलतियों की, क्योंकि मैं एकदम सफाई से इनको मारना चाहता हूँ, ना कि एकदम बर्बरता से। किधर है नॉकआउट दिस शेट, वो रहा एक। ए साला फूक के मारता है, ऐसे नहीं करना। बाकी को अपन किधर से मारे, अपन भी इसको सुला के मारते हैं। ए यप, तो अपना रास्ता क्लियर हो गया, मैं यहां से भाग सकता हूं। उसको मैं नहीं उंगली करूंगा, वो वहां रह लेगा। ये माय गॉड, हाउ इज दिस शिट हैपनिंग, बाप रे कतई लोग हैं यार। वो देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। यस यहां पर एक बंदा है, बूम। अए ये देख ही लिया मेरे को, अब सो जा लाल पलंग में सो जा।
अपने को देख लिया ये फौजी। बढ़िया है, अभी तक तो सही खेल रहे हैं, गलतियां कर ही नहीं रहे। एक दो लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। ओह माय गॉड, इधर आजा, मेरी बगल के नीचे दब के मार जा, बड़ा रोल है इन लोग का। ए किधर है? ओहो यहाँ है, वही तो मैं सोच रहा हूँ पेड़ किधर गया करके। पीछे से जाके बूम से नॉकआउट। कितना उंगली करोगे तुम लोग, अभी भी साले बचे ही हुए हैं, मतलब हर जगह फैले हुए हैं, हद है इन लोग का। आतंक मचा रखे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा मारामारी होना ही नहीं चाहिए लाइफ में खासकर। ये यहाँ पर खजाना है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूँगा। वैसे दोस्तों खजाना कॉमन है और अब मैंने जहाज को अपग्रेड कर दिया है बढ़िया तरीके से, मतलब कि अब कोई भी मतलब बैटल होगा मैं पेल दूंगा किसी को भी आराम से, इतना ही अच्छा अपग्रेड कर लिया हूँ। अरे और कौन बचा है, सबको तो मैं निपटा दिया हूँ। ओह शिट, फूंक के मारा। इधर आ तू साले, कितना फूकेगा, फूकिए। तो अपना रास्ता क्लियर हो गया है, अब अपन आगे जा सकते हैं। ये क्रोकोडाइल वापस आए और मेरी बैंड बजाए, इससे पहले मैं ऊपर निकल लेता हूँ। यप, वेयर टू गो, सर आगे, हाँ इधर इधर जाना है। थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है, सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को यहाँ से जल्दी निकल लेना था, पर कोई बात नहीं, अपन सही सही खेलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। चल ऊपर, यहाँ पर देखो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट लेना ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो मैप खुलेगा और मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि जंगल में मंगल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल की जो दुनिया है वो मुझे समझने के लिए मैप की ज़रूरत होगी, और मैप मेरे पास तभी आएगा जब अपन यहाँ पर ऊपर चढ़ के थोड़ा सा व्यू पॉइंट ले लेंगे। ईगल तो बैठा ही हुआ है व्यू पॉइंट के लिए, मैं पहुँच जाता हूँ। राही ये पहुँच गए, ये बंदा भी व्यू पॉइंट के लिए आया था पर सेल्फी लेने के चक्कर में लटक गया। लटकी हुई दुनिया कैसी लग रही है ऊपर से? बढ़िया है, मैं नीचे चलता हूँ, मेरे को ज़्यादा उंगली नहीं करने का है, मैं सीधा सीधा भी उधर जाऊँगा जहाँ पर वो साले गए हैं नंगू पुंगू लोग। मायन सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है, अगर देखा जाए तो मिस्र से पहले की है शायद, या फिर उसी के आसपास की है। कई लोग बोलते हैं कि उन लोग एकदम ओल्ड हैं, पर ऐसा नहीं है, उनसे ज़्यादा ओल्ड मतलब जो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता है वो है। ये सभ्यता का आदमी गुस्सा हो गया था अभी, और बड़ा पीटा होता है। मैं गलतियां नहीं करना चाहता और गलतियां हो रही हैं। एग्जैक्टली कोने में चल। ओहो अपना आधा मिशन कंप्लीट हो गया है, बढ़िया है। ए यहाँ पर कोई आ रहा है? यस, मुझे दिख गया था इसलिए। इसको जाने दो, ये जाएगा और अपने चंगुल में फंस जाएगा। बढ़िया, यहाँ पर एक बंदा है, इसके ऊपर मैं फूंक के जादू कर सकता हूँ। यस एक और है,
चल तू भी जा उंगली कर, मजे ले दुनिया की। ओह शिट, बंदा वहीं खड़ा है, उसके जाने का वेट करेंगे अपन। जैसे ही वो जाएगा अपन इधर खेल कर देंगे। ओह नो, आ जाओ सर। ओहो यस, जल्दी जल्दी सो गए सबके सब, बढ़िया है। यो, यहाँ पर सही बता रहा हूँ, मेरा बहुत समय वेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है क्या कि हो रहा है। बूम, कोई बच ना जाए, मैं सबको निपटा लेता हूँ पहले। ये एरिया क्लियर हुआ, यस रास्ता कंप्लीट। अभी पूरा नहीं हुआ वैसे, अभी और भी जगह क्लियर करने का है अपने को। देखो यहाँ साले लोग क्या खेल किए, पूरे लोग को लटका दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मैं उनको नहीं समझा सकता, उन लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के लालच में आए थे, वही लोग हैं जिनको निपटाया गया है। सीधी सी बात है, असासिन लोग अपने जो भी पुराने जो चीज़ें होती हैं उनको छुपा के रखते हैं और किसी को वहाँ तक पहुँचने देते नहीं हैं। तो गेम में क्या खास चेंज होगा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। और ये छोटा सा जो मिशन है, ये सही बता रहा हूँ यार, गेम को ना बहुत बदल देता है। मतलब इसके बाद आप ना बोल सकते हो कि गेम एकदम से चेंज होने वाला है, और सही में हो जाएगा। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर पक्का मैं विश्वास दिला सकता हूँ। एक और बंदा है मेरे तरफ फूंक के हमला करने से पहले चार बार सोचिए सर, मैं मूर्ख नहीं हूं। बढ़िया, अपन दौड़ के सीधा ऊपर की तरफ भागते हैं। तो यहां भी लोग होंगे एक्चुअली में, होंगे क्या है वो देखो, उसके पास जल्दी चलते हैं, वो भाग जाएगा नहीं तो। ये ले। ओहो सर, आप भी थे क्या, मैं देख नहीं पाया। ये लो, आसानी से हो गया, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। Hey, कौन है, अर्जुन बनता है, इधर आ। ओए, ये झांक गया। ओह बूम, पॉलो रॉबर्ट्स मतलब रॉबर्ट आ गया है। अपन रास्ता क्लियर कर दिए, नहीं अभी मैं फॉलो नहीं करूंगा, मेरे को ऊपर में जाके वो लेना है व्यू पॉइंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Come on, man. गलतियां ना करो। तो फाइनली अपन ऊपर तक पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वेटरी के मतलब बहुत ही करीब हैं। अभी पहुंचे नहीं है, अभी आधा बचा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोरिंग काम कर रहा है तेरे को, क्या मजा आ रहा है इसमें। मैं सच बता रहा हूँ यार, मिशन कम्प्लीशन के लिए थोड़ी सी स्टोरी जानने के लिए इतना गेम प्ले तो बनता ही है। आप लोग ये गेम के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ कि कितना अच्छा ये गेम। इतने लोग खेले होंगे वो भी जानते होंगे, आराम से वन ऑफ द बेस्ट एसेंस क्रीड है ये। स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर है, बहुत ही अच्छा है ये। तो अपन ऑब्जर्वेटरी में चलते हैं। ओ यहाँ पर एक सामान है, मैं उसको लेना भूल गया। चलो मैं बांध में आके उसको ले लूंगा। ओहो जीसस रॉबर्ट्स, बाप रे, ये तो सबको निपटा दिया। वाव, कितना हरामी है ये, इसलिए मैं बोला था कि मेरे को इसका विश्वास नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं दोस्तों। वन मिनट,
अपन अंदर जाएंगे, मैं इसको नहीं उठाने वाला, पर पहले इसको ले लेते हैं। असलियत में ये अंदर में है क्या, आप लोग भी जानना चाहेंगे, मैं बताता हूँ अंदर में एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में वहाँ एक ऐसा चीज़ है जो कि क्या बोल सकते हैं, लोगों के मतलब दिमाग को पढ़ सकता है और उसकी जानकारी दे सकता है। आप हर चीज़ जान सकते हो, मतलब देख सकते हो, सबके ऊपर नज़र रख सकते हो, ऐसा टाइप का कुछ डिवाइस है वो। टेम्पलार्स लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने सुना था, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। और उस डिवाइस के मतलब अगर वो डिवाइस आपके पास पड़ गया तो आप समझ लो पूरे सी पे नज़र रख सकते हो, और कौन कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है, आप सब सब देख सकते हो। और उसके लिए जो अपन सामान लाए हैं वो क्यूब जिसमें ब्लड है टेम्पलार लोगों का और कुछ कुछ असासिन्स का, तो वो अपने पास है। यह एक ही स्टोन मिल गया, तो अपन अंदर चलते हैं, इसका बात मानते हैं। इसके अंदर शायद क्यूब्स हैं, इसको लेके अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर इसलिए एडवर्ड को क्यों लेके आया होगा, एडवर्ड को इसलिए लेके आया क्योंकि ऑब्जर्वेटरी जो है उसको सिर्फ एक असासिन ही खोल सकता है, मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, मतलब घुसना आसान नहीं है। ये रॉबर्ट यहाँ नहीं घुस पाता, इतने सारे देख रहे हो मायन लोग थे वहाँ पर, आराम से पेल लेते इसको, और ये अपनी हेल्प लेके ही यहाँ पर आया है। और एडवर्ड को क्या चाहिए इस ऑब्जर्वेटरी से, वो सोचता है कि इसको यहाँ का जो भी पुराना चीज़ है ये बेच के अमीर बन जाएगा और बहुत सारे पैसे कमा लेगा, बस इसको पैसा ही दिखाई दे रहा है इसलिए वो यहाँ आया है। लंबा लंबा कहानी पेल रहा है। ये देखो, ये जो है अपन Assassin's Creed 3 में ऐसे टाइप के मतलब मैकेनिक्स देखे थे, और ये मैकेनिक्स 4 में भी दिख रहे हैं, मतलब कि जो पुरानी जो सभ्यता थी जो मेनरवा की टाइम की थी और जूनो के टाइम की थी, ये वो उस समय का है। जूनो इसकी वाइफ है, ये जो रॉबर्ट यहाँ पर आ रहा है, ये जूनो का जो हस्बैंड रहता है वही इनकार्नेट होके सेज बनता है, ऐसी स्टोरी है गेम की जहाँ तक मुझे याद है, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और ये यहाँ पर इसलिए ऑब्जर्वेटरी खोलना चाह रहा है क्योंकि ये जूनो का मतलब हेल्प कर पाएगा और ऑब्जर्वेटरी में मतलब वापस आ सकेगा, और वापस अर्थ में आने में मतलब प्रेजेंट टाइम में ये जिंदा हो सकता है और जूनो को भी जिंदा कर देगा, इसलिए ये सब खेल हो रहा है और जूनो ये सब करवा रही है और चाहती है कि सेज वापस आ जाए। सेज रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, करता है। Place the chest just there. Okay. हाँ? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी का जो मशीन है वो अपने सामने है, और ये जो खोपड़ी दिख रही है ये बहुत हिल रहा है, हिलने के बाद अपन दिखा पाएंगे। यस, ये खोपड़ी, इसमें देखो एक क्यूब जैसा जगह बना है, उसमें वो जो क्यूब्स जितने भी रखाए हैं उनको आप रखोगे तो आप इधर उधर की बातें देख सकते हो। वही तो स्पाई ग्लास, यानी कि नजर रखने का ग्लास, बहुत दूर तक देख सकता है। एडवर्ड इसको देखेगा तो जादू टोना समझेगा। ए देखो, मैं बोल ही रहा था जादू टोना समझ रहे हो। ये मैरियस है, ये उसके ऊपर नजर कर रहा है। I haven't the faintest idea how to pilot a ship. That ain't work a woman does. आपरे। I've seen a score of ladies who can reef a sail and spin a capstan. And would you teach me to fight with a cock glass like? Wow. And maybe handle a pistol? All that and more. But you have to want it and work for it. There's no stumbling into true success. Mary Jack, hey, Jack kid. That's my उसको देखा जा रहा है। Making love to? My You're God. Way off, or I'll catch ya. Up your ass, Rackham. Lad's the last thing you should be calling me. Oh! Oh! तो ये उसके ऊपर नजर रख रहा है। वे बंद कर। दूसरे पे भी नजर डाल। A curious bunch. Let's try another. Governor Woods Rogers. Woods Rogers अपना टेम्पलार जो शुरू में मिला था, अपना दोस्त टाइप का मतलब वो एक्ट कर रहा था जो, उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छे से धोखा देगा दोस्तों ये, अभी तो काम करा ले रहा है फिर पेट में लात मारेगा। You have a bold idea,
but I must think it carefully through. A simple pledge of loyalty is all you need suggest to the House of Commons. Whoa! An oath, a gesture, Bro. And a simple ceremonial drop of blood taken from the finger. That's all. He accused me in look of bloody. This may give me trouble, but it should be easy enough to convince the House of Lords. Wow. They do adore an excess of pomp and circumstance. Templar is the machine ko isliye pana chahte hai kyunki world pe nazar rakhta hai. Tell them it's a show of fealty. Aur apna kaam aasani se kar paaye. Yes, indeed. Oh, these Templars. The crucial detail is the blood. You must get a sample from each man. Baap re, sab se le raha hai saala bhai. Bade bade logon se. Agreed. Yay. तो इस तरीके से काम करता है ये मशीन और ये रहा खोपड़ी। A precious tool, you see. Sorcery, that's what it is. Not so. मशीन है वो। Every mechanism that gives this device its light is a true and physical thing. Oh my God. Ancient, yes, but nothing supernatural or strange. We'll be masters of the ocean with that. Oh, such ambition. Oh no, मैं बोल ही रहा था और वही हुआ। There is nothing in my code about loyalty, boy. You played your role, but our partnership is done. कितना गंदा धोखा दिया यार, कितना गंदा। धोखेबाज कहीं का? अपन को अब वापस जाना पड़ेगा। ये जगह ऐसा है कि बंद भी हो सकता है मतलब दरवाजे बंद तो अपन कहीं नहीं जा पाएंगे मैं कहीं गलत तो नहीं चला गया लगता है मैं गलत चला गया हूं जंप ऊपर हाँ अब सही जा रहा हूं आराम से आप रास्ता भटक सकते हैं यार क्योंकि ये क्यूब वर्ल्ड टाइप का जगह है यहाँ तो रास्ता भटकना बनता ही है तो अपन को ऊपर जाना है वहाँ कहीं पर और इधर का रास्ता ये बंद कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ से जाऊँ यहाँ से हाँ अब थोड़ा सा गलती नहीं होना चाहिए हाँ अब सही पकड़ा उस बार अपन गलत चले गए थे मैं काट दूंगा क्लिप ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं मेरे को कटिंग करने में मज़ा आता है और मैं कटिंग कर देता हूँ तो आप लोगों को पता ना चले और इसलिए मैं बता देता हूँ तो अपन ऊपर चलते हैं यहाँ कहीं पर ना एडवर्ड घायल हो जाता है इतना मुझे याद है और उसका फ़ायदा साला ये रॉबर्ट सेज उठा लेता है क्योंकि यहाँ से निकलते समय ऐसा कुछ होता है कि मैं एक बार गेम खेल चुका हूँ मतलब पहले कई जब ये रिलीज़ हुआ था उस समय खेला था तब मुझे याद है यहाँ कहीं पर उसको चोट लग जाता है उतरते समय ये देखो गंदा सा कोई पेड़ उसके पेट के अंदर घुस जाता है देखो पूरा खून निकल रहा है पानी में अपना हीरो घायल हो गया दोस्तों चल भी नहीं पा रहा है ये देखो बहुत खून बह जाता है अपने हीरो का ये देखो जिससे ये लड़ने के काबिल ही नहीं रहता और अपन अब सेज के पास जाएंगे भी तो कोई मतलब नहीं वो अपन को पेल देगा देखो घेर लेंगे ये सेज के पूरे आदमी हैं रॉबर्ट्स ओह शिट इसीलिए बुरे आदमी का वो नहीं करना चाहिए कि बुरे लोग बुरे ही रहते हैं गंदा धोखा देते हैं ओह नो अपन पिट गए ओह योर चैट डोर्स फ्लोन एडवर्ड ओह हे दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी द मेनी आउटवोट द वन ओह यू कुड सेल विद मी बट साला धोखेबाज फेयर यूड बर्न अस ऑल द सिंडर्स लकीली आई नो द किंग्स बाउंटी ऑन योर हेड इज अ लार्ज वन एंड आई इंटेंड टू कलेक्ट बाप रे Have you ever seen the inside of a Jamaican? ये बोल रहा है कि एडवर्ड के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है क्योंकि वो एक पायरेट है और ये पैसा पाने के लिए एडवर्ड को
नेवी को बेच देगा जिससे इसके हाथ पैसा लग जाएगा और अपना हीरो चला जाएगा अंदर। तो अनआर्म्ड, ओहो शायद मैं गन निकाल लिया था इसलिए हुआ होगा। तो अपना गेम यहाँ पर, ये वाला मिशन कंप्लीट, अपन आगे बढ़ते हैं। और वाओ एनिमस से बाहर, बाहर की दुनिया भी देखेंगे, देखना ही पड़ेगा। ये कहाँ उठ रहा है? बाहर की दुनिया ने इसको नशा हो गया दोस्तों एक्चुअली में। वो वेल सही है। हेलो मेलिनी, लेमन, लेमन, इट्स द मेडाज़ोलम। आई एम सॉरी अबाउट दिस बट वी हैड सो मेनी सिक्योरिटी ब्रीचेस वी वर फोर्स्ड टू टेक ड्रास्टिक एक्शन एंड ओलिविए इज मिसिंग। Oh. He left for Chicago 2 days ago, but no one's seen him since. I know this seems excessive, but with our high-level security clearance, we have an obligation to our shareholders. Rest assured, we will compensate you when the hacker is found. Wow. So get some rest, okay? And if you're up to it, maybe capture some more footage? You're doing amazing work. I can't wait to show you the work we've been doing with your stuff. Babre. तो मैडम अपना ज्ञान दे के चले गई। कौन हंस रहा है? फिर से मेरे को इन लोगों को फालतू काम करना पड़ेगा ये वाले मिशन में, मेरे को लग रहा है। और कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करने वाला मिशन है, वही करना ही पड़ेगा। तो सेव हो गया है, बढ़िया। Head to the security room and use the cameras to watch the door to the server farm. Unfortunately, Melanie's in there now. So when I escort her out, that's when you make your move. I'd wipe these servers myself, but as the head of IT, I'd be a suspect. It has to be someone they've already locked up. Oh. You hear that? Oh. I think I just दरवाजा खुल गया। Security clearance. Head to the security room. मेरे को लगता है दोस्तों ये अपना कोई कोई फिर से फालतू काम करवा रहा है जो कि अपने लिए कोई मतलब का नहीं है। अच्छा ओह, तो करना क्या है? They control various capital markets. Yep. बाप रे। बड़ा ही खतरनाक खतरनाक पजल है दोस्तों। मुझे समझ में भी नहीं आता। ये हमें यहाँ फिर वही डाटा कलेक्शन करना है अपने को जो भी काम के। वाह ये कौन सा टेम्पलार है? रियल लाइफ में ऐसे ही दिखते होंगे टेम्पलार, क्रूसेडर टाइप के। तो अपन अपने काम पे वापस फोकस करते हैं और आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को यहाँ समय बिताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे किधर है रास्ता? शायद इधर है। आई एम कन्फ्यूज्ड। साला इतना सारा रास्ता है कि कोई आदमी पागल हो जाएगा। चल बंद कर। मैं ये स्टिकी नोट्स लिया नहीं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ओह यहाँ आना था, यहाँ हैकिंग करना है मतलब। तो यहाँ क्या करना है भाई साहब बताइए। ओहो क्या क्या करना होगा? यहाँ भी कुछ होगा, आई डोंट नो। सही जा रहा हूँ मैं? यस हो गया, हैकर बन गए अपन सस्ते वाले। एक्सेसिंग फलाना ठिकाना। यस क्या है ऑडियो अपन को भी सुनाओ। There's no need for you to be down here by yourself, Miss Lane. अच्छा the team will handle the investigation. इसका रिकॉर्डिंग है। Eyes on this thing, John. We don't even know when the hackers broke in. It could take weeks to go through this data. At most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. वाह। Legally you can. It's what they signed up for, even if they didn't read that contract. मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. अपन को ये सब सोचना ही नहीं है दोस्तों, अपन सिर्फ काम करते हैं और निकलते हैं। इसके बाद मेरे को मालूम है कि एडवर्ड का मिशन खेलना है, तो ये वाले काम मैं जल्दी से जल्दी निपटा देता हूँ, क्योंकि अपन को यहाँ
बोर नहीं होने का है, बोर होना चाहता ही नहीं हूँ मैं किसी भी हाल में। दौड़ बे दौड़, आलसी इंसान इतना सुस्त कैसे है, पैदाइशी सुस्त है लगता है। वो तो अपन सर्वर जा रहे हैं स्वर्गों के। अच्छा, ओ तेरे लिए इजी होगा साले, मेरे लिए पूरा पहाड़ रहता है। Here we are. Beautiful. I'll update your communicator one more time. A little program I cooked up just for this purpose. There we go. I think that worked. Try it out. Okay. Sync कर लिया अपन। फिर से हैकिंग के लिए तैयार। तो अब क्या करना है? हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इधर। Yes. बढ़िया। कैसे भी हो गया, मैं खुश हूँ। बाईपासिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी। अच्छा, ये पहला सिक्योरिटी था, अभी और सिक्योरिटी बाकी है। मतलब सिक्योरिटी का अलग अलग लेवल रहता है दोस्तों। वो वो तैयार हो जाइए। माय गॉड, फाइनली यहां तक तो पहुंचा। यस, पहुंच गया। हाय 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 रब्बा, बड़ा मुश्किल था, मेरे तो जान निकल गई थी। एक और सिक्योरिटी बचा है क्या? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंटरटेनमेंट पायरेट ऑफ नाइटमेयर्स, कोई वीडियो दिखाने वाला है। चलो देखते हैं, अपन एंजॉय करते हैं, वीडियो एंजॉय कर लेंगे कम से कम। ये क्या है? The dawn of the deadly 18th century. Rogues and sailors band together to live their lives by the sword. With no laws or morals, no gods and no fear. Sick pirates. Betrayal, mutiny, cruelty and debauchery. There is plunder to be found on golden beaches. Will you risk life and soul to fight the pirates of nightmares? Babre. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane, yes, and Blackbeard. It's a famous pirate, eh? Pirate of nightmares. Wow. Cool. बढ़िया है, ये सब रियल कैरेक्टर्स है दोस्तों, रियल लाइफ। ऐसे गेम में बनाए हुए गढ़े हुए कैरेक्टर नहीं है। और सच बता रहा हूँ, 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा मतलब कोलोनाइजेशन चालू हो। ओह शिट, ये देखो, ये जूनो है। वाओ, ये कंप्यूटर के अंदर है। असैसिन्स क्रीड 3 के बाद ये पहली बार दिखी है। Wow. Lingering in networks and nodes, the nervous system of the world. Can you hear? Perhaps the temple was opened too soon, but this was not by choice. Wow. The cataclysm pushed all doubt aside. We bless poor Desmond, who gave his life so that you, the children of our labors, would live on. Oh no. Fulfill your purpose in ours, in mine. But now is not the time. Wow, wow, wow. ये सेज से बात कर रही है। Strength is not sufficient to inhabit an organic vessel. There is more work to do. More samples to acquire. बाप रे। More artifacts to find before my will can obtain. What's happening? Tell me. Make me whole again, my children. Oh no. My instruments. Bring me forth to fulfill your purpose. Tell me. बाप रे, जूनो गायब हो गई। God damn it. She should be here now, living in that goddamned head of yours. Fuck. Why did she spare you? मेरे क्या मालूम।
तो अपन को एनिमस में वापस जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मिशन एंड होता है। अगर आपको ये मेरा मिशन पूरा पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और सच बता रहा हूँ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यार। और गेम सही बता रहा हूँ एक नंबर मोड लेने वाला है, बहुत पसंद आएगा आपको। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय फ्रेंड्स।